इस कहानी के अगले भाग को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा लें, जिससे हमारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। मोटरसाइकिल की आवाज सुनकर लक्ष्मी ने बाहर आकर देखा, फिर अंदर चली गई। रवि के पास अपनी कोई सवारी नहीं है, इसलिए वह कभी साइकिल पर घर आता है तो कभी पैदल ही आता है। पसीना पोंछते हुए रवि भीतर आया। लक्ष्मी, रवि ने पुकारा। लक्ष्मी सामने आकर खड़ी हो गई। माँ चारपाई से नहीं उठी? रवि ने पूछा। प्रतिदिन शांतम माँ 4 बजे जागती है, पर आज अभी तक नहीं उठी थी। रवि ने काम पर जाते समय अपनी माँ को लेटे हुए देखा था। नहीं, लक्ष्मी ने उत्तर दिया। अच्छी बात है, खाना परोसो, रवि ने कमीज उतारकर खूंटी पर तांते हुए कहा। रवि माँ की चारपाई के पास गया, प्रेम से पुकारा, माँ। शांतम माँ ने जवाब नहीं दिया। रवि ने चारपाई पर बैठते हुए माँ के सिर पर हाथ रखा। क्यों माँ, तबीयत कैसी है? अच्छी है, शांतम माँ की आवाज भारी थी। लक्ष्मी खाना परोस कर वहाँ आ पहुँची। क्यों लक्ष्मी? माँ बहुत उदास है, रवि ने अपने भोलेपन का परिचय देते हुए पूछा। लक्ष्मी कुछ कहने जा रही थी, इतने में अपने पिता को देहली पर खड़े देखकर मौन हो गई। तुम जैसे पुत्र को जन्म देने वाले का जब तब ऐसा हो जाना स्वाभाविक ही है, धर्मया ने कहा। रवि ने आश्चर्य के साथ धर्मया की ओर देखा। उसकी बात व्यंग्यवाण की भांति उसके दिल पर जा चुभी। उसने अनुभव किया कि उसकी भूल के कारण माँ दुखी है। फिर भी बोला, मैंने आखिर गलती ही क्या की है? तुम्हें जो गलत मालूम न हो उसे सही मानना भी तो एक गलती है। कल रात तुमने अपने दोस्त के साथ जैसा व्यवहार किया उसे ठीक समझते हो? धर्मया ने पूछा। रवि ने चकित होकर देखा, फिर सोच में पड़ गया। पाल पोस कर बड़ा करने वाले पिता का देहांत हो जाने पर साल में एक बार उनका स्मरण करके श्राद्ध करना भी तुम गलत समझते हो? ये शब्द कहते हुए धर्मया रवि के निकट आया। शांतम माँ उठ बैठी। रवि, पहले घर में दिया जलाओ, फिर मंदिर में। घर भर के लोगों को दुख पहुंचाने वाला कोई कितना ही महान कार्य क्यों न करता हो, उसका कोई प्रयोजन नहीं होता। यदि तुम बुद्धिमान हो तो तुम जिस सत्य पर विश्वास करते हो शांति और सहनशीलता के साथ उसे समझो और लोगों में परिवर्तन लाने की कोशिश करो। लेकिन ऐसा न करके जबरदस्ती तुम अमृत भी पिलाना चाहोगे तो वह विष बन जाएगा। क्यों, ठीक है न? धर्मया ने स्पष्टता के साथ कहा। रवि मौन रह गया। तुम भारत माता को कल्याणकारिणी बनाना चाहते हो तो ठीक है, पर मात्र हृदय को दुख पहुंचाने के लिए कोई नहीं कहता। इन शब्दों से रवि का दिल पिघल गया। तब बताइए मुझे क्या करना चाहिए? तुम अपने पिता का श्राद्ध करने से इनकार क्यों करते हो? मुझे पसंद नहीं है, कठोर स्वर में रवि ने उत्तर दिया। धर्मया का चेहरा स्याह पड़ गया। उसने कभी कल्पना तक न की थी कि रवि के मुंह से उसे ऐसा उत्तर सुनना पड़ेगा। शांतम्मा ने धर्मया की ओर देखते हुए कहा, भैया आप क्यों सिर खपाते हैं? हम लोग उसकी कमाई पर जीते हैं, इसलिए हमें उसकी इच्छा के अनुसार चलना है। इस घर में कोई कदम रखना चाहे तो वो उसकी अनुमति लेकर आना है। उसकी इच्छा न हो तो कोई हमारे घर में झांक भी नहीं सकता। वह डांटे फटकारे हमें सहन करना पड़ेगा, शांतम्मा ने आवेश में आकर कहा। उसकी आंखों में आंसू छलक रहे थे, कंठ अवरुद्ध था। रवि देखता रहा। रवि को पहले क्रोध आया, फिर व्यथा हुई। उसकी आंखें भर आई। अपनी माँ के पैरों के पास बैठकर आंसू पोंछते हुए बोला, माँ मुझे इन वचन बाणों से क्यों घायल करती हो? मैंने कभी अपने मुंह से एक भी शब्द ऐसा निकाला है कि मेरी कमाई पर आप सब जी रहे हैं? ये सोचकर तुम दुखी हो कि मैंने राम का अपमान किया है तो मैं उससे क्षमा मांग लूंगा। रवि उठ खड़ा हुआ और धर्मया की ओर देखते हुए बोला, यदि माँ का ये विश्वास हो कि परलोक में पिताजी श्राद्ध की प्रतीक्षा में हैं और आज के ब्राह्मणों के द्वारा भोजन उन्हें प्राप्त होगा तो मैं सच कहता हूँ कि वे उसे छुएंगे तक नहीं। मैं ये बात द्वेष या ईर्ष्या से नहीं कह रहा हूँ। शास्त्रों में जिस ब्राह्मणत्व की चर्चा है उसको खत्म हुए एक अरसा हो गया है। तब तुम्हारा क्या उद्देश्य है? धर्मया ने तीक्ष्ण दृष्टि डालते हुए पूछा। पिताजी की उम्र के किसी गरीब को उनका स्मरण करते हुए खाना खिलाएं। तुम्हारा विश्वास है कि वह खाना उन्हें प्राप्त होगा? धर्मया ने पूछा। रवि ने हाँ कहना चाहा, फिर उसे लगा कि ऐसा कहने से उसका सिद्धांत दुर्बल होगा, इसलिए अपने को संभालते हुए बोला, उन तक पहुंचने की बात दूसरी है। कम से कम पिताजी के नाम पर एक गरीब एक दिन पेट भर खाना खा सकेगा, उसका हृदय कृतज्ञता के भाव से भर जाएगा। धर्मया मुस्कुराया। उस मुस्कुराहट में तृप्ति थी। शांतम्मा शंकापूर्ण दृष्टि से देखती रही। धर्मया रवि के निकट आकर बोला, अच्छा रवि ऐसा ही करेंगे, खाना ठंडा हुआ जा रहा है, जाकर खाओ। रवि ने अपनी माँ की ओर देखा। शांतम्मा सिर झुकाए कुछ सोच रही थी। माँ मैं जा रहा हूँ। खाना नहीं खाओगे? तुम नहीं खाओगी? शांतम्मा बोली। नहीं, रवि ने अपनी माँ का हाथ पकड़कर कहा, तुम खाओगी तो मैं भी खाऊंगा। लक्ष्मी मुस्कुराते हुए रसोई में चली गई।
शांतम्मा धीरे से उठी। माता और पुत्र के रिश्ते में कैसी मधुरता छिपी हुई है। धर्मया विभोर हो उठा। बरामदे में पंखे के नीचे बैठकर सिगरेट पीता राम गहरे सोच में पड़ा हुआ था। मोटरसाइकिल की आवाज सुनकर सिर उठाकर देखा कि इस कड़ी दोपहरी में कौन आया है। रवि मोटरसाइकिल को खड़ा कर सीढ़ियां पार करके दरवाजे के पास खड़ा हो गया। राम ने पहले ही रवि को देख लिया था। बोला, रवि अंदर आ सकते हो। रवि ने उस महल को बचपन में देखा था। वह राम के पास जा खड़ा हुआ। बैठो, राम ने स्नेहपूर्ण स्वर में कहा। रवि बैठ गया। राम के इन शब्दों ने उसे आश्चर्य में डाल दिया। वह सोचने लगा कि राम उसका स्वागत न करता तो क्या होता। राम ने सिगरेट की डिब्बी उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा, लो पियो। नहीं, मुझे आदत नहीं है, रवि के उत्तर में नम्रता थी। आदत नहीं, नहीं। अच्छा, इतनी धूप में कैसे आना हुआ। रवि एक साथ जवाब न दे पाया। राम आश्चर्य से उसकी ओर देखता रहा। रवि ने उठकर पूछा, तुम मुझसे नाराज तो नहीं हो। नहीं, राम ने बैठे बैठे ही उत्तर दिया। तुम नाराज भले ही न हो, पर माँ नाराज है। मेरी भूल हो तो। रवि आगे के शब्द नहीं कह पाया। इस कहानी के अगले भाग को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा लें, जिससे हमारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी।